परम श्रद्धेय अध्यक्ष गौरांग बाबू, आज की सभा को अपने अपने तरीके से मूल्यवान बनाने वाले सभी वक्ता भाई बहन, हमारे मित्र और इसके आयोजक अभिक साहा जी, और आप सब जो कोई एक बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, जो आखिरी वक्ता होता है उसको दो फायदा रहता है। एक तो ये कि उसको ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बात कह चुके हैं, और दूसरा कि वो आखिरी है तो अगर वो लंबा भी बोलेगा तो लोग कहेंगे जाने तो माफ करो, अब इसके बाद और किसी का भाषण नहीं होना है। लेकिन दोनों बात आज नहीं है। हमारे साथी और आप सबके लिए आदर और आदर्श की राजनीति का रास्ता बनाने वाले भाई प्रशांत भूषण जी ने आज की चुनाव व्यवस्था, दल व्यवस्था और जनतंत्र के बारे में कुछ बुनियादी बातें कही। हमारे 45 साल के दोस्त और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के एक रूप जनता दल यूनाइटेड के अनुभवी साथी अरुण जी ने तो बहुत साफ साफ बात कह दी, उसमें अब जोड़ने की जरूरत नहीं है। खाली एक ही बात आज की सभा में हमारे जैसे वॉलंटियर को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग 3-4 साल तक साथ चले और बदलाव की राजनीति में हमने जाति और धर्म, पैसा और गुंडा सबका मुकाबला किया, एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी को एक चुनाव में कम और दूसरे चुनाव में बेशुमार ताकत भी हासिल करने में हम सबका योगदान था। लेकिन आज हम उस पार्टी के बाहर हैं और हम एक नए कार्यक्रम स्वराज अभियान के लिए 8 महीने से लगे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम चुप रह करके राजनीति के अंदर जो चुनाव जीतने की मजबूरियां हैं, सत्ता चलाने की मजबूरियां हैं, उनको बर्दाश्त क्यों नहीं करते? हमसे लोग पूछते हैं कि कम से कम वहां पर जातिवाद तो नहीं है, वहां पर पुराने भ्रष्ट नेताओं की भीड़ तो नहीं है जैसी बाकी पार्टियों में है, आपको स्वराज अभियान को आगे ले जाने की क्या जरूरत है? उसी बारे में आपको थोड़ी सी बात अगले 5-7 मिनट में बतानी है। पहली बात तो यह है कि देश में 4000 से ज्यादा पार्टियां हैं और हर पार्टी यही करती है कि चुनाव में हम आएंगे, आपकी मदद से जीत जाएंगे तो देश को बदल देंगे। सत्ता की राजनीति, राज सत्ता की राजनीति, लेकिन वैकल्पिक राजनीति जो स्वराज की राजनीति थी, जो महर्षि अरविंद ने की, देशबंधु चितरंजन दास ने की, भगत सिंह ने की, मोहनदास करमचंद गांधी ने की, सुभाष बोस ने की, और जो हम और आप करना चाहते हैं वो आम लोगों की ताकत से बदलाव और तरक्की का रास्ता चलाने की राजनीति है। और इसमें वोट की उतनी जरूरत नहीं है जितनी समस्याओं के बारे में सरोकारी नागरिकों की एकता और सक्रियता की जरूरत है। आम आदमी पार्टी भी वॉलंटियर के कंधे पर खड़े एमएलए और एमएलए के ऊपर बैठे हुए मंत्रियों की पार्टी बन गई, न खाता न बही, जो मुख्यमंत्री जी कहे वही सही। जैसा बंगाल में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, देश में चल रहा है, श्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, इससे देश के मामूली लोगों की ताकत नहीं बढ़ रही है। और
देश इस गलतफहमी में जी रहा है कि हम लोकतंत्र हैं, हम एक राष्ट्र हैं और हम नागरिक हैं। असल बात यह है कि स्वराज का जो सपना पिछले 125 साल से देखा जा रहा था, उसमें कुछ तरक्की हुई है। चीन का एक कवि हमसे मिलने आया और उसने हमसे कहा कि तुम्हारे देश के लोगों ने आजादी के साथ जीना सीख लिया है, हमारे देश में रोटी का सवाल तो हमने हल कर लिया, आजादी का सवाल हल नहीं किया। हमने कहा क्या कहना चाहते हैं आप? कहा इतनी विचारधारा आपके यहां है, सबके संगठन हैं, सबके अखबार हैं, सबके मोर्चे हैं, सबके दफ्तर हैं, सबके आंदोलन हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जहां जाइए तरह तरह के विचारों की पत्रिकाएं हैं, अखबार है। हमारे यहां तो एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी बनाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, एक ही अखबार, एक ही रेडियो, एक ही टेलीविजन। ये सही बात है कि लोकतंत्र निर्माण में हम अपने पड़ोसियों की तुलना में, पाकिस्तान की तुलना में, चीन की तुलना में आगे गए हैं, लेकिन अभी लोकतंत्र पूरा नहीं हुआ है, ये जनतंत्र नहीं है, पहले तो शायद था भी, अब ये धनतंत्र हो गया, जीतने वाला भी धनतंत्र का शिकार, हारने वाला भी धनतंत्र का शिकार। और जीत चाहे जिसकी हो, जीतने के बाद की जो सरकार होती है वो क्रोनी कैपिटलिस्ट की सरकार होती है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, देश का बड़ा पूंजीपति रतन टाटा बोल रहा था मीरा वाडिया से कि ये क्रोनी कैपिटलिस्ट की सरकार है, इसमें हमारा गुजारा नहीं है। तो जब रतन टाटा का गुजारा नहीं है तो हमारा आपका क्या गुजारा होगा? और ये लोकतंत्र बदलाव मांगता है। हम जिस सड़क पर चल रहे हैं, ये सड़क आगे बंद हो चुकी है, जितने चुनाव हो रहे हैं उतना ही धन का, और धन में भी काले धन का दबाव बढ़ रहा है, और इसलिए चुनाव के बाद सरकारें तो बदल गई हैं, जो जवाहरलाल जी के जमाने में नहीं होता था, इंदिरा जी के जमाने में नहीं होता था, और बंगाल में ज्योति बाबू के जमाने में नहीं होता था। तो हमने सोचा परिवर्तन कर लेंगे तो सब बदल जाएगा। परिवर्तन से जैसे सिनेमा का सीरियल होता है, टेलीविजन का पात्र बदल जा रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट वही रहती है, वही महंगाई, वही भ्रष्टाचार, वही बेरोजगारी, वही गुंडागर्दी और वही पतन। तो स्वराज अभियान लोकतंत्र निर्माण की तरफ जाने वाले रास्ते को फिर से खोलना चाहता है, जो साधारण लोगों की ताकत को बढ़ाने वाला रास्ता है, जैसे आरटीआई का अधिकार। कल जो एमएलए होता था, एमपी होता था, उसको ये अधिकार था कि वो सरकार के बारे में सवाल पूछे और सदन में उसका जवाब आता था। अब हमारे टैक्सी वाले भाई को अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में सवाल पूछे और सवाल का जवाब देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नालिश करेगा और वहां से जवाब लाएगा। ये लोकतंत्र है, नागरिक की ताकत। वरना अंग्रेज का क्या कहना था, जमींदारों का क्या कहना था, कोई लंदन से पढ़ के आया था, कोई अमरीका से पढ़ के आया था, कोई पैदा ही हुआ था राजा और रानी के खानदान में, फिर हमारे वोट की क्या जरूरत थी? तो मित्रों, पहली बात तो ये कि हम लोकतंत्र नहीं है, हम लोकतंत्र के निर्माण में लगा हुआ एक देश है, और इस लोकतंत्र के निर्माण में दल की और चुनाव की बड़ी भूमिका है, और दोनों धीरे धीरे जवाहरलाल और इंदिरा की तुलना में और हमारे और आपकी आंख के आगे धनतंत्र के कब्जे में जा रहे हैं। इसमें साफ पैसा चाहिए, इसमें अच्छे लोग चाहिए, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के इस प्रयोग के असफल हो जाने के बाद, जहां कहा गया कि अगर चुनाव नहीं जीते तो सरकार में नहीं जाएंगे, सरकार में नहीं जाएंगे तो हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आएगा, ये बिल्कुल उल्टी सोच थी, क्योंकि इसी को देखते देखते क्रांतिकारी कम्युनिस्ट अवसरवादी बन गए, क्रांतिकारी समाजवादी भ्रष्टाचार की जेब में जाके बैठ गए, और ईमानदार गांधी और सुभाष की पार्टी कांग्रेस मनमोहन सिंह की अगुवाई में घोटालेबाजों की पार्टी बन गई। तो फिर आम आदमी पार्टी कितने दिन तक टिकेगी? नई जरूरत है। दूसरा, नागरिकता निर्माण की समस्या है। कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र सजग नागरिकों के बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता, फिर वहां दबंगों का राज हो जाता है,
आज औरत होने के नाते जो भारत की नागरिक है उसकी नागरिकता पूरी नहीं है, उसका स्वराज सूरज के उगने के साथ शुरू होता है और सूरज के ढलने के बाद खत्म हो जाता है। और लोग कहते हैं अगले जन्म वो है बिटिया न कीजो। आज हिंदुस्तानी औरत की नागरिकता अधूरी है, हिंदुस्तानी गरीब की नागरिकता अधूरी है, हिंदुस्तानी दलित की नागरिकता अधूरी है और हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की नागरिकता अधूरी है। हमारी आंख के आगे देखते देखते 5000 सिखों को मार दिया गया 84 में और आज तक उसके मुकदमों का फैसला नहीं हुआ। आज मुसलमान होना, ईसाई होना, बौद्ध होना और कश्मीर में हिंदू होना जैसे गुनाह है। तो मित्रों, नागरिकता निर्माण के लिए भी राजनीतिक स्वराज को पूरा करना है, सामाजिक स्वराज को पूरा करना है, आर्थिक स्वराज को पूरा करना है। और कौन पूरा करेगा? हमारे यहां ये गलतफहमी थी कि अच्छे नेताओं की कमी है, अच्छे नेता आ जाएंगे सब कुछ बदल जाएगा। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता, लोकतंत्र में अच्छे नागरिकों की जरूरत होती है, फिर उसमें से नेता तो रोज पैदा होंगे। हर चुनाव में हम 5000-7000 लोगों को चुनते हैं और अगली बार उसमें से आधे लोगों को हरा देते हैं। अच्छी नागरिकता के लिए नागरिकों के बीच में समस्याओं को सुलझाने का जज्बा चाहिए और इसीलिए वो गाना आपको हमको आज तक पसंद है। वो गजल लिखने वाले आज से 40 साल पहले चले गए और जैसा प्रशांत जी ने कहा कि देश में जो व्यवस्था है उसको देख करके बरबस लगता है कि इसको बदलना चाहिए। और वो दो लाइन तो आप सबको मालूम है, हो गई है पीर परबत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो बात है ये आज न्याय की भूख, मर्यादा की भूख घट रही है, इसीलिए प्रोफेसर दाभोलकर को मार दिया, हत्यारों को कोई पकड़ता नहीं, कॉमरेड पंसरे को मार दिया कोई पूछता नहीं, प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या कर दी कोई बोलता नहीं, अखलाक को मार दिया गया और अभी अभी रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। ये माहौल बदलने की जरूरत है और इसके लिए स्वराज अभियान को लगता है कि नागरिकों का मंच होना चाहिए और जरूरी नहीं कि आप नागरिक के नाते स्वराज अभियान के मेंबर हो तभी हम आपके बारे में बोलेंगे, तभी आप हमारी बिरादरी में आएंगे। नहीं, हम कोई नया धर्म नहीं फैलाना चाहते। आप नागरिक के नाते आरटीआई करते हैं, विश्व ब्लोअर हो जाते हैं तो आपको लगना चाहिए कि इस बड़े हिंदुस्तान में जहां बेईमानों की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, हमारी ईमानदारों की भी एक जमात है जिसका नाम स्वराज अभियान है और आप अगर उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज स्वराज अभियान के मोर्चे पर हिंदुस्तान के कुछ बेहतरीन लोग हैं, इनके नाम में आदर्शवाद की खुशबू है, इनके पास चरित्र का बल है और इनके पास देश की बदसूरत हो रही तस्वीर को बदलने का जज्बा है, आदर्शवाद है। और इसीलिए जब आज अमित शाह जी ने, बंगाल स्वराज अभियान ने इस चलती सड़क के बगल में, इस खुले मैदान में एक सभा रखी तो आप में से कई लोग यहां इकट्ठा हो गए। ये सभा हजारों की नहीं है, ये कोई भी देख सकता है, लेकिन जब से मैं आया आप में से कई लोगों का परिचय पाने का मौका मिला। एक एक व्यक्ति अपने आप में एक मशाल है अविद्या और इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि आपने इस सभा में भी पेशेवर राजनीतिज्ञों का भाषण नहीं, इस देश को चला रहे बना रहे लोगों का भाषण कराया। इसमें आदमी थे, औरत थे, युवा थे, वृद्ध थे, वैज्ञानिक थे, कलाकार थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। ऐसा ही मोर्चा नागरिकों का जिले जिले शहर शहर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि नहीं बोलने से जालिम की मदद होती है, चुप रहने से दबंग का राज चलता है और अगर एक बच्चे ने भी बोल दिया कि राजा नंगा है तो और कोई नहीं, राजा खुद दौड़ के अपने कपड़े खोजता है कि मेरी नंगाई दिखाई पड़ रही है। और आज ये बोलने की जरूरत आ गई। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करते समय ये बताना चाहता हूं कि पिछले 8 महीने में मुझे खुद 26
प्रादेशिक सम्मेलनों में जाके स्वराज अभियान की बात कहने का और जम्मू से लेकर के केरल तक लोगों की बात सुनने का मौका मिला। आप यकीन मानिए कि जैसे आप यहां बेचैन बैठे हैं कि कुछ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, एक प्रयास किया गया अन्ना जी की अगुवाई में, कुछ दूर तक गाड़ी गई, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान की चुनी हुई संसद की कैबिनेट के 5 मंत्री बंगाल के लोगों को निमंत्रण देना चाहते हैं कि ये जो सम्मेलन हो रहा है जिसमें स्वराज अभियान की बहुत मामूली भूमिका है, ढेर सारे अच्छे संगठन जुड़ रहे हैं, ये जो बिखराव हो गया था आम आदमी पार्टी से हम लोगों के निकाले जाने के बाद, अच्छे अच्छे लोग कहते थे लो यहां भी वही शुरू हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको स्मशान वैराग्य हो गया है, आपको अपने प्रयोग के असफल होने की तकलीफ है, तो जाकर के अस्पताल में देखना आप कि बहुत सारे लोग जैसे हम और आप आज घायल हैं विश्वासघात के कारण, सत्ता की राजनीति के कारण, उससे ज्यादा घायल लोग अस्पताल में जाते हैं। अच्छा डॉक्टर मिलता है, अच्छी दवा मिलती है तो इलाज करा करके दोबारा वो अपने काम पर लौट आते हैं। आज वही फिर करने की जरूरत है और 8 महीने से हम सब लोग जो काम देख रहे हैं उससे दिखाई पड़ रहा है कि आदर्शवाद की फसल कमजोर नहीं है, आदर्शवाद की तलाश नई पीढ़ी को हमसे ज्यादा है। और हम जिन सवालों को छोड़ के जा रहे हैं, अगले 15 साल 20 साल में हमारी उम्र के लोग धरती पर नहीं होंगे, हमारा किया हुआ काम ही रहेगा, तो जो हमने बोया है उसको उनके पास छोड़ न जाए काटने के लिए हमको इसको सुलझाना पड़ेगा। हमारी आपके आगे राजनीति में भ्रष्टाचार आया, हमारी आपके आगे दलों के अंदर काला धन आया, हमारी आपके आगे चुनाव में धन शक्ति ने जन शक्ति को पराजित किया, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा छोड़ा कूड़ा हम साफ करें, जिससे कि ये नौजवान हम पर तोहमत न लगाए कि कैसे लोग थे, क्या बर्बाद करके चले गए। तो साथियों बात को खत्म किया जाए, मुझे इजाजत दीजिए स्वराज अभियान की तरफ से उसके एक वॉलंटियर के नाते कलकत्ता के मित्रों को बधाई देने के लिए। यहाँ पर मात्रा नहीं है, देर इज नो क्वांटिटी हियर बट देर इज क्वालिटी हियर, और आप सबका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। आपसे हम यही कहेंगे कि आज से बंगाल में, कलकत्ते में खास तौर पर स्वराज अभियान की सदस्यता शुरू हो रही है। अगर आपको प्रशांत भूषण जैसे आदमी के साथ, योगेंद्र यादव के साथ, आदिल मोहम्मद के साथ, गौरांग चक्रवर्ती के साथ, अविक शाह के साथ और ये तमाम भाई बहन जो बोले काम करने का रास्ता ठीक लगता है, तो फिर स्वराज अभियान आपका संगठन है, आपका मंच है। आपने हमको 6 महीने से देखा और आप देख रहे हैं कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर आदर्शवाद घटा नहीं है, बढ़ा है, और आप देख रहे हैं कि हमारी एनर्जी का लेवल भी बढ़ गया है, तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चुप रहने से मर जाते हैं एहसास हमारे। आप पूछेंगे ना कि आपके साथ आके क्या करेंगे, तो हम कहेंगे आप भी हमारी तरह से बोलेंगे। और बोलना क्यों जरूरी आज हिंदुस्तान में, क्योंकि चुप रहने से मर जाते हैं एहसास हमारे, ना बोलने से भी, ना बोलने से भी जालिम की मदद होती है। तो अगर आप जालिम के खिलाफ बोलना चाहते हैं और जब कल आपकी पीढ़ियां पूछेंगी कि मम्मी पापा अंकल आप क्या कर रहे थे 2016 में, तो आप कह सकते हैं कि हम वो मशाले लेके चल रहे लोगों के साथ चल रहे थे जो देश में फैल रहे अंधेरे के खिलाफ खड़े थे, लड़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। यही कहानी आज इमरजेंसी वाले कहते हैं। इमरजेंसी के जमाने में यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ काम किया होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काम करने की इच्छा तो रखी थी लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे। तो इन दोनों का फर्क हो गया, एक सिर उठा करके आंखें ऊपर करके कहता है कि हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे, हमने तानाशाही से मुल्क को बचाया था, बर्बाद होने से बचाया था। दूसरा कहती या कहता है कि करना तो हम भी चाहते थे लेकिन हम डरते थे। तो आपको तय करना है कि आप डरने वालों में से हैं या लड़ने वालों में से हैं। अगर डरने वालों में हैं तो अपने घर जाइएगा, लड़ने वालों में हैं तो स्वराज अभियान के कंधे से कंधा मिलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।